अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ परी के लोहरी किचन में चिकन वाइट कढ़ाई। चिकन वाइट कढ़ाई हमने आज बनानी है। शुरू करने से पहले मैं आप सब से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजा करें, ये हमारी हौसला अफज़ाई होती है। अगर आप हमें लाइक करते हैं, हमें बताते हैं कि हमें आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लगी है, तो ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा होता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 kg चिकन लिया है और ये इस साइज़ के मैंने 4 प्याज लिए हैं। ये गार्निश के लिए मैंने हरी मिर्चें ली हैं, हरा धनिया हमारे पास होगा। ये मैंने 1 चम्मच तिल लिए हैं, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास। ये सारे मैंने साबुत मसाले लिए, हमें इन्हें ग्राइंड करना है। 1 चम्मच चाहिए हमारे पास सूखा धनिया, ये सफ़ेद मिर्ची हैं गोल, 1 1/2 चम्मच मैंने ये सौंफ लिए हैं और 2 अदर छोटी इलायची हैं, ये बादाने का एक फूल है, काली मिर्ची हैं और हमारे पास ज़ीरा ज़ीरा है और ये स्टिक है हमारे पास 1 अदद और 2 हमारे पास बड़ी इलायची हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए पैसे वर्स मैंने प्याज में तकरीबन 2 कप ऑयल का डाल दिया है। अब इसमें हम डालते हैं ये स्ट्रीक केक डालेंगे और ये 2 बड़ी इलायची। प्याज़ों को हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि हमें वाइट चिकन कढ़ाई चाहिए। वाइट के लिए हमें प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना, प्याज़ों को वाइट ही रखना है। आप प्याज़ों को ब्रेंड भी कर सकते हैं और इस तरह भी हम प्याज़ों का मसाला बना सकते हैं। देखिए हो गया 2 से 2 मिनट के लिए मैंने इनको फ्राई किया। अब इसमें गोश्त डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अब हम अच्छा सा फ्राई करेंगे इसे। ठीक है, पाँच से छः मिनट तक फ्राई करते हैं। इसके बाद हम अपना अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसको फ्राई करते हैं। कैसे वर्स अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। ठीक है, नमक को मिक्स करते हैं। ये कैसे वर्स अब इसमें जाएगा जो हमने मसाला अपना ब्रेंड किया है वो। ठीक है, अब अच्छा सा फ्राई करते हैं। मैं प्याज से वर्स ये देखिए हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। हमने इसमें रेड मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमने वाइट चिकन कढ़ाई बनानी है, इसलिए मैंने सफ़ेद मिर्चों का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें डालेंगे दही, आप क्रीम भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं डालने जा रही हूँ दही। मैं दही डालती हूँ। ठीक है, कटोरी एक फुल कटोरी डालनी है मैंने। ठीक है, अब हम इसे मिक्स करते हैं। देखिए मेरे प्यारे सर्वर्स, हमारी कितनी मज़ेदार सी चिकन वाइट कढ़ाई रेडी हो गई है। अब मैं लास्ट में डालने जा रही हूँ ये तिल और हरी मिर्ची। ठीक है, अच्छा सा इसे फ्राई करते हैं 3 से 4 मिनट तक, उसके बाद मैं डिश ऑफ करती हूँ। ये देखिए हमारी ग्रेवी भी कितनी मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है। ये देखिए मेरे प्यारे सर्वर्स, मैंने डिश आउट कर ली है अपनी चिकन वाइट कढ़ाई। बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी और बड़ी मज़ेदार सी बनने वाली है। ठीक है, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ परी के लोहरी किचन से। अल्लाह हाफिज़।